वहीं चुरू लोकसभा सीट पर बीजेपी के देवेंद्र झांझड़िया और कांग्रेस के राहुल कस्वा मैदान में हैं। नामांकन के बाद अब दोनों प्रत्याशियों की ओर से तूफानी प्रचार शुरू हो चुका है। देवेंद्र झांझड़िया ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा पर बड़ा हमला बोला। देवेंद्र झांझड़िया ने कहा कि बड़ा दुख हुआ, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए कैसा दुरुपयोग कर रहे हो। चुरू के अंदर इस बार कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, जहां रामलहर के ऊपर सवार होकर देवेंद्र झांझड़िया भाजपा की ओर से कमान संभाले हुए, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल कस्वा मैदान में। हमारे साथ देवेंद्र झांझड़िया सर, नामांकन हो चुका है दोनों प्रत्याशी की ओर से, किस प्रकार का उत्साह है मतदाताओं में नजर आ रहे हैं? बहुत उत्साह है चुरू में। मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ, मैं ग्रामीण परिवेश हूँ, ग्राम में जा रहा हूँ। लोगों में मोदी जी के प्रति बहुत प्रेम है, उनकी योजनाओं के प्रति बहुत प्रेम है। और मैंने जाकर के पता किया, ग्रास रूट पे जो योजनाएं पहुंची वो इम्प्लीमेंट हुई, सबसे अच्छी बात ये। सर, 20 साल का एक लंबा करियर रहा आपका खेलों के क्षेत्र में, देश के नाम विदेशों में रोशन किया। एक झंडा जब होता है सीने के ऊपर तो एक अलग गर्व की खुशी होती है और देशवासी भी काफी खुश नजर आए, लेकिन अब एक नया क्षेत्र राजनीति का क्षेत्र, किस प्रकार का अनुभव आपको राजनीति में मिल रहा है? बिल्कुल, मैंने मेरी जिंदगी में संघर्ष किया है और संघर्ष से इस देश को मैंने 3-3 पैरालंपिक मेडल दिलाए हैं। 200 देशों का मैं चैंपियन बना हूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है मेरे नाम 18 साल। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि अब इस क्षेत्र में आया हूं, वो अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को मैं वो फैसिलिटी उपलब्ध करवाऊंगा जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। चुरू लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूरा चुनाव अब जाति के ऊपर आधारित नजर आ रहा है, मुद्दे हैं वो गौण हो चुके हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा भाषणों के अंदर देखा जा रहा है, क्या लगता है इस कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है? मैंने तो एक ही बात नहीं की, मैं तो 36 बिरादरी की बात करता हूँ। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान में जितने भी टॉयलेट्स बने हैं वो किसी जाति बिरादरी के थोड़ी बने हैं। कोई भी उज्ज्वला योजना है, विश्वकर्मा योजना, जितनी भी योजना है, कोई जाति के आधार पर थोड़ी होती है। ये वो लोग करते हैं जाति की बात जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते। यदि मुद्दे होते हैं तो जाति की बात ही नहीं करते। मैं तो खुल के कहता हूँ, मैं देश प्रेमी हूँ, मेरा भारत मेरा देश है, भारत के लिए मैं खेला हूँ, भारत के लिए जीऊंगा, भारत के लिए मरूंगा। आपने अपने प्रतिद्वंदी राहुल कस्वा जी, उनका भाषण सुना होगा, उनका भाषण जो राजेंद्र राठौड़ है उनके इर्द गिर्द घूमता, आपको नहीं लगता कि अलग दिशा में जा रहे हैं चुनाव को? नहीं, वो मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा दुख सा भी हुआ कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए कैसा दुरुपयोग कर रहे हो। जो नारे लगे थे उन्होंने उन नारों को ताजा कर दिया जो आज से 8 साल पहले जेएनयू में लगे थे। सेम उसी पैटर्न पे उन्होंने नारे लगाए हैं, आजादी की बात कर रहे हैं। आजाद हमारा देश 1947 में हुआ था, उन लोगों को अपमान किया है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने शहीद हुए उन लोगों का अपमान किया है जिन्होंने आजादी के लिए शहीद हो गए, उन लोगों का कितना बड़ा अपमान किया आज उन्होंने। आजादी आजादी, अरे आजाद हो गया देश, डेमोक्रेसी है इस देश में। और खास करके मेरे शेखावाटी बेल्ट के इस भूमि पे वो बोल रहे हैं ऐसी बातें, जहां से आप देखोगे तो हर गांव में आपको एक प्रतिमा नजर आती है शहीद की, उन शहीदों का अपमान किया उन्होंने, बड़ी दुख की बात है ये। मैं इतना फर्क है, मैं देश के लिए खेलता हूं, मैं देश के लिए मेडल जीतता हूं, मैं राष्ट्रीय ध्वज फहराता हूं देश के लिए, वो तोड़ने की बात करते हैं। मुद्दे क्या रहेंगे, प्रमुख मुद्दों की बात करता हूँ, चुरू के क्षेत्र के लोगों को लिए आप क्या करोगे? चुरू में बहुत काम करने की जरूरत है और अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे रेल सेवा बढ़ाना है हमें, सरदार शहर एरिया है या सुजानगढ़ एरिया या तारानगर, विशेष तौर पे उन लोगों की बहुत डिमांड है। और एक पानी मेरी प्राथमिकता रहेगी, सिंचाई का और घरेलू कनेक्शन, इन चीजों पे काम करना है, कनेक्टिविटी पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, शिक्षा में बहुत काम, स्वास्थ्य में बहुत काम करने की जरूरत है आपको, और एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है, हर घर का बच्चा पढ़ाई करे, हम हमारा ये उद्देश्य है। और अच्छी एजुकेशन लेके आएंगे हम यहाँ पे। खेलों के क्षेत्र की बात करें तो चुरू पिछड़ा हो रहा है, आपने शुरुआत की और एक देश के अंदर एक अलग छाप छोड़ी, लेकिन आज भी चुरू की बात करें तो युवा निकल कर नहीं आ रहे, किस प्रकार की आपकी प्राथमिकता युवाओं के लिए रहेगी जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, खेल के क्षेत्र में भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमने 1000 खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर बनाए, 1000 पूरे देश में।
चूरू विशेष प्रतिभाओं का लोकसभा मेरा क्षेत्र है, इसमें बहुत प्रतिभाएं हैं। हर पंचायत स्तर पे हमारा टारगेट है ग्राउंड बने, वहां पे बच्चे खेलें, नशे से दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें और अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा करें, हमारा ये टारगेट है। राजस्थान में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के लिए मतदान